भारत में एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। इस बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में क्या हुआ बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़। पूजा, बैठक पर क्या अपडेट है और त्योहारी सीजन के लिए राज्यों को क्या कुछ हिदायत दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए आज कोविड को लेकर लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय में मीटिंग्स का दौर जारी है। सुबह एक मीटिंग हुई है जिसके बाद जो बड़े अपडेट्स आए हैं वो इस तरह से हैं कि पूरे देश में पिछले दो हफ्तों में कोविड की वजह से 16 मौतें हुई हैं, तो इस लिहाज से ये चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये जो 16 डेथ्स हुई हैं ये सभी ऐसे लोगों की हुई जो या तो बहुत बुजुर्ग थे या पहले से उन्हें कोई ना कोई दूसरी गंभीर बीमारी थी। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कोविड एक बार फिर से देश के लिए चिंता का विषय बना है और इसीलिए सरकार भी अब अलर्ट मोड पर है। अगर एक महीने की बात करें तो कोरोना के मामले डबल हो गए हैं और इस वक्त भी 2300 से ज्यादा एक्टिव केसेस कोविड के हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में, जिनमें से 21 से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो नए वेरिएंट के शिकार हुए हैं, ये जीनोम सीक्वेंसिंग में साफ हुआ है। लेकिन अगर स्टेट्स के हिसाब से बात की जाए तो केरला में सबसे ज्यादा मामले हैं, तकरीबन 2000 मामले केरल से रिपोर्ट हुए हैं। उसके बाद कर्नाटक, जहां पर काफी मामले हैं, गोवा में भी बहुत से मामले हैं, दिल्ली में कुछ एक मामले हैं। तो अगर हम फैलाव की बात करें तो दक्षिण ही नहीं उत्तर भारत में भी कोरोना इस वक्त फैला हुआ है और जो नया सब वेरिएंट है JN.1 उसके मामले सामने आने के बाद से परेशानी जरूर बढ़ी है। हालांकि सरकार का कहना है कि हम किसी भी तरह की पाबंदियां लगाने के मूड में नहीं है, सिर्फ लोगों को एहतियात ये जरूर की गई है कि भीड़ वाली जगहों पर अगर जाते हैं तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें। फेस्टिव सीजन में, खासतौर पर सर्दी के मौसम में अगर आप कहीं जा रहे हैं तो वहां अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि जहां पर भीड़ ज्यादा होगी और टेम्परेचर डाउन होगा वहां कोविड के केसेस बढ़ने का खतरा है। इसके बाद भी मीटिंग्स का दौर जारी रहेगा और साथ ही साथ हॉस्पिटल से भी कहा गया है कि वो रूटीन चेकिंग करें, अपने हॉस्पिटल में तैयारियां रखें, हर 3 महीने में एक बार जरूर मॉक ड्रिल करके ये चेक कर लें कि सब कुछ ठीक है। सरकार ने भी अपनी तरफ से जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाई है, RT-PCR टेस्टिंग बढ़ाने के लिए स्टेट्स को निर्देश दे दिए गए हैं और ये कहा है कि घबराएं नहीं, लेकिन किसी तरह की सिचुएशन कंट्रोल से बाहर ना हो उसके लिए अलर्ट पर रहें।